नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली में दो फाड़ होगी कांग्रेस, चिंगारी की तरह भड़क सकती है लवली के इस्तीफे की आग। अरविंद सिंह लवली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में पार्टी में दो फाड़ हो सकते हैं। इस पर अरविंद सिंह लवली का कहना है कि वह पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले बाहरी उम्मीदवारों के चयन और प्रदेश प्रभारी की मनमानी को लेकर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी से गठबंधन बाहरी उम्मीदवारों के चयन और प्रदेश प्रभारी की मनमानी को लेकर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा चिंगारी की तरह है। यह आग अभी बुझने वाली नहीं है बल्कि अभी और भड़केगी। खुद अरविंद सिंह लवली का कहना है कि वह पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। हालात तो बयां कर रहे हैं कि दिल्ली में पार्टी दो फाड़ भी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि 31 अगस्त 2023 को प्रदेश कांग्रेस की कमान लवली को सौंपे जाने से पहले पिछले करीब 2.5-3 साल में पार्टी एकदम हाशिए पर चली गई थी, लेकिन लवली के मोर्चा संभालने के बाद पार्टी एक बार फिर खड़ी होनी शुरू हुई। घर बैठे हुए सभी नेता भी सक्रिय होने लगे। दिल्ली के रण में दोबारा से त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनने लगी, लेकिन आप से गठबंधन के आला कमान के एक निर्णय ने दूध के उबाल पर पानी के छींटे मारने वाला काम ही किया है। इसके बाद अप्रोक्ष रूप से दिल्ली की 7 में से 6 सीटें छोड़ देना पार्टी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।